हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबकी डिमांड पर क्लास ट्वेल्थ होम साइंस मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको पेशेंस के साथ में क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको हर हाल में लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोगों का हो सके तो आप लोग साथ साथ में नोट करते चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ, या नहीं तो मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग का सेक्शन भी आ चुका है। हम लोगों ने सेक्शन ए में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर किया था, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कवर करेंगे ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। जी हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है, कठोर जल किसे कहते हैं? जी हाँ, यानी हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। कठोर जल पीने में और रुचिकर एवं खारा लगता है। जी हाँ, जब भी आप कठोर जल को पिएंगे तो आपको क्या लगेगा, और रुचिकर लगेगा। जी हाँ, बेकार लगेगा और क्या लगेगा, वो खारा लगेगा। क्योंकि जल शक्तिशाली घोलक है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने अंदर घोल लेता है। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जल क्या है, बहुत ही शक्तिशाली घोलक है। जी हाँ, किसी भी पदार्थ को अपने आप में यानी आसानी से घोल लेता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने अंदर क्या कर लेता है, वो घोल लेता है। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घोले रहते हैं। जी हाँ, यानी जो भी क्या होगा, जल कठोर होगा यानी हार्ड वाटर होगा, उसमें क्या चीज़ मिक्स रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी दोनों तत्व क्या रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा। फलतः जल अशुद्ध एवं कठोर हो जाता है। जी हाँ, यानी जब क्या होगा, जल में औषधियाँ मिल जाएगी, यानी कैल्शियम मिल जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम मिल जाएगा, तो जल क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जी हाँ, यानी गंदा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये कठोर हो जाएगा यानी हार्ड हो जाएगा। कठोर जल में साबुन लगाने पर जल्दी झाग नहीं बनता है। जी हाँ, और आप कठोर जल को कैसे पहचान सकते हैं, यानी जब उस पर क्या करेंगे, यानी साबुन लगाएंगे तो उसमें कोई भी झाग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जल में घुले लवण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जी हाँ, झाग उत्पन्न क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो जल में लवण घुले होते हैं वे साबुन से यानी रिएक्शन करके उसको झाग बनने नहीं देते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे कठोर जल यानी हार्ड वाटर को देख लिया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलता हूँ। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग हॉलमार्क से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हॉलमार्क? जी यानी हॉलमार्क क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जब हम स्वर्ण आभूषण खरीदने जाते हैं तो हम सोने की शुद्धता सिर्फ आंखों से देखकर नहीं आंक सकते। जी हाँ, यानी जब हम लोग स्वर्ण आभूषण यानी जब भी कोई सोने का हम लोग आभूषण या जेवर खरीदने जाते हैं दुकान में, तो हम लोग अपनी आंखों से उसकी शुद्धता को नहीं पहचान सकते, नहीं आंक सकते हैं। ग्राहक को इसी धोखे से बचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्क नामक विशेष मानक चिन्ह जारी किया है। जी हाँ, यहाँ तो सोने की शुद्धता को पहचानने के लिए क्या किया है, यानी जो भारतीय मानक ब्यूरो है उन्होंने क्या कर लिया है, यानी जो स्वर्ण आभूषण के लिए जो हॉलमार्क नामक एक विशेष मानक चिन्ह जारी किया गया है, जिससे सोने की शुद्धता सुनिश्चित होती है और बताया जाता है कि किसी स्वर्ण आभूषण में सोने की मात्रा कितनी है। जी हाँ, तो इसी को दूर करने के लिए यानी हम लोग जब देख करके सोने के आभूषण को पहचान नहीं सकते हैं कि इसमें यानी सोना कितना मौजूद है, तो इसी के लिए जो भारतीय मानक ब्यूरो है उन्होंने यानी जो हॉलमार्क है वो क्या है, एक प्रकार का चिन्ह है वो जारी किया है। यानी जिस क्या होगा, सोने के आभूषण में हॉलमार्क चिन्ह रहेगा तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, सोना यानी शुद्ध है। और उसमें यह भी बताया जाता है कि उस स्वर्ण में यानी जो स्वर्ण आभूषण है उसमें सोने की मात्रा कितनी है। जी हाँ, तो हम लोग बिना आंखों से देखे हॉलमार्क को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सोना क्या है, शुद्ध है या नहीं है। जी हाँ, यही जो चिन्ह है हमारा वो क्या है, हॉलमार्क है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा दिया। अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, यूनिट्स से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट्स, यानी यूनिट्स क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार ने देश के विकास को दृष्टि में रखते हुए एक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी बचत की पूंजी सरकार द्वारा बनाए गए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नामक संस्था में लगा सकता है। जी हाँ, यानी जो भारत सरकार है उन्होंने देश की यानी देश को विकास की दृष्टि में रखते हुए देश के विकास के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। जी हाँ, कौन सी योजना बनाई है,
यानी ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत यानी जो भी व्यक्ति क्या करता है, यानी जो अपनी बचत यानी जो अपना सेविंग है वो यानी जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या संस्था है उसमें अपने जो बचत है उसको क्या कर सकता है, वो जमा कर सकता है। विनियोजित धन सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य व्यापारों में लगाया जाता है। जी हाँ, और जो यानी जितने भी लोग क्या करते हैं उस यानी जो बचत की जो पूंजी है उसको क्या करते हैं, यानी उस संस्था में जमा करते हैं और उस धन को सरकार क्या करती है विभिन्न उद्योगों एवं जो अन्य व्यापार है उसमें लगाते हैं। जी यानी बिजनेस करने के लिए उस धन को क्या करते हैं, वो लगाते हैं और व्याप्त लाभों को साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। जी हाँ, और जो भी उन्होंने उद्योग में पैसे लगाया और जो यानी व्यापारों में पैसे लगाया उससे जो भी क्या होता है लाभ आता है तो उसके क्या करते हैं वो जो भी साझेदार होते हैं जी हाँ जिन्होंने पैसे जमा किया किसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में उसको क्या करती है बांट देते हैं। जी हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 3 का भी आंसर अच्छे तरीके से समझा दिया। चलिए इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। जब शरीर में 10% तक जल की कमी हो जाती है तो इसे निर्जलीकरण कहते हैं। जी हाँ, यानी सामान्य जल की मात्रा से यानी हमारे शरीर में जितनी सामान्य जल की मात्रा होनी चाहिए उससे अगर 10% की क्या हो जाएगी यानी जल की कमी हो जाएगी तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण की स्थिति में शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति को नींबू पानी नमक एवं शक्कर का घोल दिया जाता है। जी हाँ, यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, निर्जलीकरण की कंडीशन आ जाती है, स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यानी उसको नींबू पानी का घोल पिलाओ या उसको शक्कर या नमक का घोल पिलाओ। जी हाँ, यानी चीनी और नमक का घोल पिलाओ या उसको नींबू पानी का घोल पिलाना चाहिए। तरल पदार्थ के रूप में दही, छाछ, दाल, पानी, दाल की पानी, चावल का माड़, फलों का रस, सब्जियों का सूप, नारियल का पानी, फटे दूध का पानी आदि देना चाहिए। जी हाँ, और ऐसी स्थिति में अगर नींबू पानी नहीं है, नमक या चीनी का घोल नहीं दे पाते हैं तो आप इन तरल पदार्थों को भी दे सकते हैं। जी हाँ, यानी दही हो गया, छाछ, दाल की पानी, उसके बाद चावल का माड़ आदि तरल पदार्थों को आप उसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ORS का घोल देना चाहिए। जी हाँ, इसके अतिरिक्त आपको क्या देना चाहिए, यानी ORS का घोल देना चाहिए। जी हाँ, तो हम लोग जब भी यानी निर्जलीकरण की कंडीशन होती है तो हम लोग ये सारे पदार्थ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को यानी अपने आप जो निर्जलीकरण है हमारे शरीर में उसकी कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे निर्जलीकरण बता दिया और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि आप निर्जलीकरण को कैसे दूर कर सकते हैं। जी हाँ, देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से क्लास को समझा है। अब क्वेश्चन 5 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, आहार आयोजन क्या है। जी हाँ, यानी जो फूड मैनेजमेंट है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताने हैं। आहार आयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया जाता है कि प्रतिदिन प्रत्येक आहार में हमें क्या खाना चाहिए। जी हाँ, तो आहार आयोजन मतलब मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसे क्या सुनिश्चित करता है, यानी प्रतिदिन हमको प्रत्येक आहार में अपने भोजन में जिस प्रकार हम लोग 3 टाइम या 4 टाइम खाते हैं तो अपने जो प्रत्येक टाइम हम लोग जो खाते हैं उसमें हम लोग को क्या खाना चाहिए, यही क्या करता है, आहार आयोजन सुनिश्चित करता है। जी हाँ, आहार आयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि आहार लेने वाले व्यक्ति के लिए वह पौष्टिक, सुरक्षित तथा संतुलित हो तथा उसके सामर्थ्य में हो। जी हाँ, और आहार आयोजन बनाते वक्त हमको ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम लोग जिस व्यक्ति के लिए आहार आयोजन बना रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, आहार पौष्टिक होना चाहिए। जी हाँ, उसके लिए क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यानी संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। जी हाँ, उसमें हर तरह का पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए तथा उसके सामर्थ्य होना चाहिए। जी हाँ, और उसके सामर्थ्य होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, काफ़ी लाभदायक होना चाहिए। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि आहार आयोजन क्या है और आहार आयोजन कैसे तैयार करनी चाहिए ये और आहार आयोजन क्यों जरूरी है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का भी आंसर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में अक्षम तथा अयोग्य बच्चों की विशेष जरूरतें क्या होती है। जी हाँ, यानी जो अक्षम और जो अयोग्य बच्चे होते हैं उनकी विशेष जरूरतें क्या क्या होती है, यहाँ पे आपको बताने हैं। अक्षम तथा अयोग्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य बच्चों से अलग होती है। जी हाँ, आप सबको पता है कि जो बच्चा क्या होगा, अक्षम होगा, अयोग्य होगा, तो उनकी जो शारीरिक बनावट है, उसकी जो भावात्मक और जो सामाजिक क्षमताएं हैं वो क्या होगी, नॉर्मल बच्चे से क्या होगी, काफ़ी अलग होंगी, जिसे किसी खास पद्धति के द्वारा विकसित करने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, और इस कमी को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, यानी किसी खास पद्धति, जी हाँ, कोई खास थ्योरी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग विकसित कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, और ऐसे बच्चे यानी जो अक्षम होते हैं, अयोग्य होते हैं, उनकी कैसी जरूरत पड़ती है, उनको सामाजिक क्या पड़ती है, यानी शारीरिक सहायता भी पड़ती है।
शारीरिक सहायता की जरूरत, उसके बाद सामाजिक और मानसिक सहायता की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बहुत बच्चे शारीरिक दोष के कारण अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शारीरिक दोष यानी शरीर में किसी चीज़ की कमी के कारण भी क्या हो जाते हैं, अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें हमारा समाज तथा माता पिता सभी के प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब ऐसे हो जाते हैं यानी जो क्या हो जाता है शारीरिक दोष के कारण अक्षम हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको किसकी जरूरत पड़ती है, यानी समाज और माता पिता की प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, तो ऐसी वस्तु को क्या करना चाहिए, यानी माता पिता को हो या समाज को क्या करना चाहिए, यानी प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। तो हम लोग ने देख लिया कि जो अक्षम और अयोग्य बच्चे हैं उनकी क्या क्या यानी जरूरत है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हम लोगों ने 6 को भी अच्छे तरीके समझ लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करेंगे, क्या बोला जाए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, पारिवारिक बजट यानी जो फैमिली बजट होता है वो कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो हम लोग प्रकार को समझने से पहले हम लोग देख लेंगे कि जो पारिवारिक बजट होता है वो क्या होता है आखिरकार। प्रत्येक परिवार अपने द्वारा अर्जित धन की व्यवस्था करने के लिए बजट बनाता है। जी हाँ, यानी जितने भी परिवार है वो अपने जो अर्जित धन है, यानी जितने भी धन वो कमाते हैं, यानी जिनका जितना उनका परिवार का इनकम होता है, उनकी व्यवस्था करने के लिए क्या बनाते हैं, वो बजट बनाते हैं। क्योंकि प्रत्येक परिवार अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूरा करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जी हाँ, और बजट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो हमारी आय है, जी हाँ, हमारी आय जो है वो क्या है, सीमित है। जी हाँ, एक तरह का क्या है, फिक्स है। और लेकिन फिक्स आय से लोग क्या चाहते हैं, यानी जो हमारी असीमित आवश्यकता है, जी हाँ, हमारी नीड्स जो है वो क्या है, काफ़ी असीमित है, उसको पूरा करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है, कि हम लोग कम आय में, जी हाँ, हम लोग कम आय में कैसे अपने आप को यानी पूरा संतुष्ट रख सके। पारिवारिक बजट 3 प्रकार का होता है। जी हाँ, और जो पारिवारिक बजट होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है हमारा, बचत का बजट। जी हाँ, ये सही सबसे पहला प्रकार है पारिवारिक बजट का। उसके बाद दूसरा हमारे यानी प्रकार में क्या आता है, घाटे का बजट। उसके बाद तीसरे प्रकार में हमारा आ जाता है संतुलित बजट। जी हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे पारिवारिक बजट का जो हम लोगों ने 3 प्रकार है वो अच्छे तरीके से देख लिया, और हम लोग पारिवारिक बजट को भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा क्या बोला जा रहा है, शिशु के विकास पर पर्यावरण के पड़ने वाले मुख्य प्रभाव लिखे। जी हाँ, यानी शिशु के विकास पर यानी उनकी डेवलपमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, पर्यावरण का, यानी इकोलॉजी का, उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं, शिशु के विकास पर पर्यावरण के पड़ने वाले मुख्य प्रभाव निम्नांकित है। जी हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रभाव हैं जो कि यानी हमारा पर्यावरण का किस पर पड़ता है, शिशु पर पड़ता है यानी बच्चे पर पड़ता है। जी हाँ, तो सबसे पहला प्रभाव हमारा क्या है, शारीरिक विकास। जी हाँ, ये सबसे पहला प्रभाव जो कि पर्यावरण से हमको यानी शिशुओं को पड़ता है। दूसरा है यहाँ पे चारित्रिक विकास, तीसरा क्या है व्यक्तित्व, चौथा क्या है बुद्धि का विकास, उसके बाद पांचवा में क्या है हमारा प्रजाति। जी हाँ, तो ये सारे क्या है यानी ये विकास पर पर्यावरण के पड़ने वाले सारे क्या है मुख्य प्रभाव है। जी हाँ, यानी क्या है सारे मेन इफेक्ट्स हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिया, अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 9 में, पानी के प्राकृतिक स्रोत क्या है। जी हाँ, यानी क्या क्या नेचुरल सोर्सेस हैं, किसके, वाटर के। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जल हमें हमेशा प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। जी हाँ, यानी जो हमको पानी है हमेशा कैसे मिलता है, वो प्राकृतिक स्रोतों से ही मिलता है, यानी जो नेचुरल सोर्स है उसके जरिए ही हमको मिलता है ये स्रोत है। जी हाँ, तो कौन से प्राकृतिक स्रोत है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वर्षा का जल। जी हाँ, तो ये भी क्या है प्राकृतिक स्रोत का एक उदाहरण है। उसके बाद झरने का जल, समुद्र का जल, तालाब का जल, पानी का पंप अथवा ट्यूबवेल, कुएं का जल, नदी का जल, पृथ्वी के ऊंचे तनु का जल। जी हाँ, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई है सारे क्या है प्राकृतिक यानी जल के प्राकृतिक क्या है स्रोत है, यानी इनसे हमको क्या मिलती है, जल मिलती है, और ये सारे क्या है प्राकृतिक स्रोत है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, अब देख लेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, अति पोषण से क्या समझते हैं। जी हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर न्यूट्रिशन। जी हाँ, अति पोषण, अति मतलब क्या होता है, अत्यधिक। जी हाँ, तो देख लेते हैं इसका आंसर, अत्यधिक आहार ग्रहण करना पोषण की वह अवस्था है जिसमें मोटापा हो जाता है। जी हाँ, जब आप अत्यधिक आहार ग्रहण करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको मोटापा हो जाएगा। जी हाँ, उससे क्या हो जाएगा, रक्तचाप, पथरी तथा हृदय संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। जी हाँ, जब आप अत्यधिक पोषण करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको मोटापा की बीमारी हो जाएगी। जी हाँ, जैसे आपको मोटापा की बीमारी होगी उससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, जैसे आपका जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको पथरी की बीमारी हो जाएगी, उसके बाद हृदय संबंधी जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्या है डिजीज है, रोग है, वो आपको हो जाते हैं।
अति पोषण कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है सर? अति पोषण कहलाती है। यहाँ तक कि आयोडीन एवं लौह तत्व अधिक मात्रा में लेने से एक्सोपथैल्मिया तथा हाइपरजाइथीमिया हो जाता है। जी हाँ, यहाँ तक अगर आप क्या करेंगे, अधिक मात्रा में आयोडीन और लौह तत्व लेंगे, जी हाँ, जिससे आपको कौन सी बीमारी होगी, एक्सोपथैल्मिया, उसके बाद हाइपरजाइथीमिया, जी हाँ, ये सारे आपको रोग हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको अति पोषण समझा दिया है कि अति पोषण क्या होता है और इससे आपको यानी कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। कॉफ़ी के धब्बे किस प्रकार छुड़ाए जाते हैं? जी हाँ, आपको अगर कॉफ़ी का धब्बा कपड़े पे या किसी पे लग जाए तो आप किस प्रकार छुड़ा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। कॉफ़ी के धब्बे वाले स्थान को सुहागा के जलीय घोल में कुछ समय तक डुबो देते हैं। जी हाँ, यानी जब आपका कपड़े में कॉफ़ी का क्या धब्बा लग जाता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो सुहागा का जलीय विलयन है, जलीय घोल है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम तक उसको डुबा देना पड़ेगा। अगर धब्बे सूती कपड़े पर हो तो गर्म जल की धार उस पर डालेंगे। जी हाँ, अगर कपड़ा किसका हो, सूती कपड़े का हो, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यानी गर्म जल आपको डालना पड़ेगा। अगर रेशमी कपड़े के ऊपर हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर इसे छुड़ाया जा सकता है। जी हाँ, अगर क्या हो, कपड़ा रेशमी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर उसको छुड़ा सकते हैं आप। अगर कॉफ़ी के ताजे धब्बे हो तो उसे सुहागा और जल की मदद से छूट जाते हैं। जी हाँ, अगर कॉफ़ी में अगर ताज़ा ताज़ा क्या लगा है, धब्बा लगा है, तो आप उसको सुहागा के जल से भी उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। जी हाँ, तो आप अलग अलग कपड़े में अलग अलग प्रकार से छुड़ा सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, तो आखिरी क्वेश्चन हमारा यानी शॉर्ट आंसर टाइप का, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, गृह विज्ञान स्वरोजगार एवं किसी संस्था में रोजगार में हमारी क्या सहायता करता है? जी हाँ, जो होम साइंस है वो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, यानी कोई भी संस्था है, और जो स्वरोजगार इसमें हमारी किस प्रकार सहायता करता है, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, वो हम लोग देख लेते हैं। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। जी हाँ, आप सबको बताइए कि गृह विज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे ज्ञान को बहुत अधिक विकसित कर देता है। जी हाँ, और एक ऐसा विज्ञान है ये जो क्या करता है, हमारे ज्ञान को, हमारे नॉलेज को काफ़ी विकसित कर देता है, तथा ये अपने रोजगार या स्वयं के व्यवसाय को प्रारंभ करना सिखा देते हैं। जी हाँ, और हमको यानी इतना वो विकसित कर देते हैं कि हम अपने से क्या कर सकते हैं, यानी कोई रोजगार कर सकते हैं या स्वयं के व्यवसाय को हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ, अपने से कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। किसी संस्था में रोजगार का अर्थ है कि किसी के ऊपर आश्रित होकर कार्य करना। जी हाँ, अगर मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पर क्या है, आश्रित है। जी हाँ, उस पर आप टिके हुए हैं, उस पर आश्रित रहकर आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसमें व्यक्ति विशेष रूप से कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जी हाँ, और जब आप क्या करते हैं, किसी व्यवसाय के अंदर में काम करते हैं, उसमें व्यक्ति जो होता है वो किसी भी रूप से कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। गृह विज्ञान द्वारा हमें इसमें भी सहायता मिलती है। जी हाँ, और गृह विज्ञान के जरिए हमको इसमें भी सहायता मिलती है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि गृह विज्ञान हमारी किस प्रकार सहायता करता है, यानी स्वयं के रोजगार करने में या किसी संस्था के अंदर में रोजगार करने में। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 12 का भी आपको आंसर अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप, यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो कवर कराया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना। दिखा, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।